हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इन मैं अंशिका आ गई हूँ आज अपने साथ एक ऐसा वीडियो लेके जिसको बनाने के लिए मैंने पूरे साल वेट किया है येस yes, मुझे जर्नलिंग डायरीज़ और प्लानर्स uh, का बहुत शौक है एंड मैं ओवर द टाइम इनको ख़रीदते रहती हूँ बिकॉज आई लव राइटिंग आई लव यू नो डूइंग माई स्टफ इन अ प्लान्ड वे तो मुझे प्लानर्स अच्छे लगते हैं ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम में मेरे यू नो वोट करवाया था कि आपको चाहिए क्या प्लानर्स डायरीज़ के वीडियोज़ एंड डिटेल चाहिए ये या शॉर्ट चाहिए तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वोट किया कि नहीं हमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए है एंड डायरी का वीडियो एंड जर्नल का वीडियोस चाहिए हैं सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट मैंने कैटेगरी तो तो में वीडियो को डिवाइड किया हुआ है जैसे पहला जर्नल कैटेगरी दूसरा फिटनेस प्लानर्स तीसरा स्टडी प्लानर ट्रैवल प्लानर एंड एंड में डायरीज बता रही हूँ मैं हर जगह चैप्टर में डिवाइड कर दूंगी अपने वीडियो को तो अगर आपको वो डायरेक्टली देखना है तो वो भी आप क्लिक करके देख सकते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल से उसमें सबसे पहली जो आती है वो है ये ओके okay? दिस इज़ वन लाइन अ डे मतलब कि आपको हर दिन एक लाइन लिखनी है अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो इस तरीके से इसमें फाइव ईयर्स तक का प्लान आप लिख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ डेट दी रहती है टू जीरो आगे आप भर सकते हो और पाँच ईयर तक का लिख सकते हो लाइक मैंने ये देखो मैंने स्टार्ट तीन ईयर का कर लिया है complete now और टू ईयर्स पेंडिंग तो इस तरीके से लिख सकते हो आप इसमें बहुत प्यारा है बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है सही है क्यू टू सी है छोटू है ट्रेवल करने में आपके लिए मतलब बहुत अच्छी एमआरपी में, में प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको ले सकते हो दूसरी है ये. Dream, believe, okay? is, uh, like आपको में ना इसमें सबसे पहले आपको एक पेज दिया है जहां पे आपको लिखना है कि वॉट यू वॉन्ट टू अचीव गोल एंड एवरीथिंग क्या बनना चाहते हो गोल्स के लिए बहुत सारे पेजेस इन्होंने दिए हुए हैं यहां पर उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है इफ यू कैन सी यहाँ पे टुडे के बारे में आप लिखोगे यहाँ पे टॉप गोल्स फॉर द ईयर ये आप मेंशन करोगे ओके एंड दिस इज़ डेट वॉट यू आर ग्रेटफुल फ़ॉर सो इट्स अ गुड जर्नल लाइक एवरी डे आप अपने लिख सकते हो वॉट यू आर ग्रेटफुल फ़ॉर एंड क्या गोल्स हैं टू डू लिस्ट क्या है आपकी वो लिख सकते हो टॉप प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से आप डाल सकते हो काफ़ी स्पेस है एंड उसके बाद आप कितना पानी आपने पिया Uh, कितना एक्सरसाइज आपने किया और मेडिटेशन विजुलाइजेशन के लिए आप कैसा टाइम दिया किया कि नहीं किया एंड हाउ डू यू यू नो डू यू वांट टू फील टुडे यहाँ पे आपके ऑप्शन है तीन उसके अलावा एक आप अपने से फ़ील कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड यहाँ पे किसके साथ आपने अच्छे से बिहेव किया आज तो वो मैंशन कर सकते हो और रेट कर सकते हो अपने दिन तो गुड इन टोटल जर्नल रेट भी काफ़ी अच्छा था मुझे आई थिंक तीन सौ में ये पढ़ा था तो इट्स गुड तीसरा है ये ड्रीम believe do रिपीट टाइनी चेंज एक्चुअली ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इन्होंने जो जर्नल बनाया है उस पर इनकी सोच आपको क्लियरली विजिबल होगी बहुत तो सारी इनोवेटिव चीजें इन्होंने अपने जर्नलिंग वाली डायरी में डाली है बाहर से दिखाऊं तो डायरी ऐसी दिखती है इसमें एक ये है जिसको आप इस पे लगा सकते हो यहाँ पे एक पेन होल्डर इन्होंने दिया हुआ है इट्स गुड एंड अगर मैं अंदर की बात करती हूँ ठीक है तो सबसे पहली चीज तो मुझे जो बहुत पसंद है ये इनके डूडल आर्ट से देखो इन्होंने ना हर मंथ के एंड में ऐसा डूडल आर्ट दिया हुआ है लाइक दिस यू कैन फिल इट ये ये बहुत अच्छा लाइक स्ट्रेस बस्टिंग के लिए ना बहुत अच्छा आपको स्ट्रेस हो रहा हो तब इस टाइप के डूडल आर्ट कर सकते हो इसमें जस्ट कोई भी रैंडम मंथ ले सकते हो उससे सबसे पहली चीज़ है वन गोल ऑफ द मंथ आपको लिखना है देन आपके तीन बिग टिकट आइटम्स टू क्लोज दिस मंथ दैट यू हैव टू राइट की टास्क टू कंप्लीट दिस मंथ सो इट्स लाइक फर्स्ट पेज पे आपका मंथ का पूरा जिस्ट ये लिखने के लिए स्पेस देता है थिंग्स वॉट नॉट टू डू एंड हैबिट्स टू फोकस ऑन एंड पर्सनल लाइक दिस दिस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे डिटेलिंग है उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ वन मैसिव एक्शन टू अंडरटेक दिस मंथ लाइक क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो आप अपने बॉडी में माइंड में रिलेशनशिप में वर्ल्ड अराउंड यू तो ये कितना इनोवेटिव है लाइक यू इट विल कंपेल यू टू थिंक अच्छा मैं ये करना चाहती हूँ ये करना चाहती हूँ इट्स गुड एक्चुअली देन यहाँ पे आपका पूरा मंथ का एक कैलेंडर दिया हुआ है ओके दिस टाइप ऑफ कैलेंडर इज गिवन एंड उसके नीचे आपका एक्सपेंसिज है तो आप सोचो आपकी एक ही डायरी में आपका एक्सपेंसेस मंथली सब कुछ कवर हो रहा है मंथली तीन डॉट के साथ आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो लाइक जनवरी लाइक मंडे ट्यूसडे वीकली फिर है फिर वीक में हैबिट्स जो है वीक में जो हैबिट्स है वो आप ट्रैक कर सकते हो उसके बाद एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे दिया है बहुत अच्छा एंड इसमें एक जो चीज़ मुझे बहुत इनोवेटिव पसंद आई है कि इनके चैलेंजेस होते हैं एवरी वीक का एक चैलेंज होता है कि अच्छा इस वीक आपको ये करना है दस से दिसंबर का मैं बताऊँ दिस वीक का टर्न ऑफ योर एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट ओवरकम द फियर ऑफ मिसिंग आउट इट्स गुड यार समाइम लाइक यू वॉन्ट समथिंग जो आप कैसे ट्रिगर करे और कुछ करने के लिए मजबूर कर दे राइट right? तो ये ऐसा इनका वीकली बहुत अच्छा होता है एंड इनके एंड फ्रंट पेजेस वेरी गुड यहाँ पे आपको इसे डॉट वाले यू नो आर्ट एंड इसके लिए दिया जाता है इन टोटल मैं जितना दिखाऊंगी दिखाते ही जाऊंगी दिखाते ही जाऊंगी बट इन टोटल दिस डायरी इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट मुझे इसका प्राइस बहुत अच्छे से याद थाउजेंड नाइनटी नाइन आई थिंक तो उस हिसाब से आई नो लिटिल बिट कॉस्टलियर है बट पूरे साल की आपको मिल रही है राइट एंटायर ईयर एक ही डायरी में सब कुछ एंड इट्स रियली 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 वर्थ इन्वेस्टिंग इफ यू वांट टू प्लान आउट थिंग्स एंड ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज एवरी थिंगज इट्स अ मस्ट हैव तो अब आप अगर ऐसे इंसान हो जिसको जर्नलिंग का आइडिया नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि मैं क्या लिखूँ क्या ऐसी चीज़ ऐड करूँ या सेल्फ इवेल्यूएशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है तो वो तो ये वाला जर्नल ट्राई कर सकता है जर्नल ये बहुत अच्छा है यार आई मस्ट टेल यू दिस इज स्टार्ट वेयर यू आर इट्स अ लवली थिंग टू हैव जस्ट सी हाउ कलरफुल दिस बुक इज सी बहुत प्यारा बहुत प्यारी बुक है ये एंड आई शो यू लाइक ये देखो सबसे अच्छी चीज इसमें कि कोई ईयर स्पेसिफिक नहीं है किसी भी ईयर में इवन आप अपने पास लंबे टाइम तक तो इसको रख सकते हो चाहो तो एंड ऐसा नहीं है कि रोज़ ही लिखना है आप वैसे इंसान हो ना जिसे रोज़ रोज़ लिखना नहीं पसंद है उसे ऐसे वंस इन अ वाइल्ड अच्छा लगता है तो आप ये ले सकते हो एंड दे आस्क लाइक क्वेश्चन टू यू एंड देन यू आंसर इट ओके सो फॉर एन एग्जाम्पल राइट डाउन द टेन बिग ड्रीम्स दैट हैवेंट कम टू येट so you can write your dreams here right so it's good and similarly like what are the three thoughts that made you smile today to wo likho to aise choti choti cheeze they keep on asking you list the sources of the following happiness love and courage friendship strength to मेरे को सबसे प्यारी ये book लगती है मेरे बहुत करीब है दिल के एंड मैं पता है कई बार इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखती क्योंकि ना मैं चाहती नहीं कि ये खत्म हो जाए मैं चाहती हूँ कि यार मैं कभी कभी वंस इन अ वाइल्ड मंथली इसको निकालती हूँ आई रीड दैट क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद में उसका आंसर बहुत स्लोली स्लोली यू नो इंस्ट्रूमेंटल वेरी रिलैक्स विद दिस सो आई रियली लाइक वॉन्ट यू टू बाय दिस अगर आप और कुछ भी बाय नहीं करना चाहते हो जर्नलिंग की दुनिया में नए नए हो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं चाहते हो कि डायरी राइटिंग इट शुड नॉट बी अ बर्डन टू यू तो प्लीज ये वाली आप ले लो अब मूव करते हैं फ़िटनेस प्लानर पे ओके फिटनेस प्लानर्स क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल अपनी फिटनेस ट्रैक करना इज़ गुड आई नो देखो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ऑनलाइन तो सब कुछ हो जाता है मोबाइल पे तो सब कुछ हो जाता है वाई टू तो राइट एवरीथिंग आई पर्सनली लव इट एंड आई नो मेनी पीपल आर दे हु लव इट तो मैं इसलिए ऐसे जर्नल्स यूज़ करती हूँ उसके लिए आई हैव थ्री ऑप्शन दिस वन दिस वन एंड दिस वन दीज आर लाइक टू समॉट सेम एंड दिस वन इज़ लिटिल बिट बिग एंड डिटेल्ड एंड इस nice. तो पहले ये वाले की बात कर लेते दिस टू आर सेम एक्चुअली जस्ट लाइक मेल कैन टेक दिस फीमेल कैन टेक लाइक टोटली अपट यू इट्स नॉट दैट तो मैं जैसे दिखाती हूँ आपको फॉर एन एग्जाम्पल लाइक हियर ओके फर्स्ट फर्स्ट यू हैव टू राइट योर नेम योर गोल वट आर योर गोल्स ओके एंड द मेजरमेंट्स एंड मैग्जिम पर्सनल बेस्ट यू हैव टू राइट ह्योर ओके देन यू कैन राइड लाइक योर वर्कआउट रूटीन है प्रॉपर सो आईम राइटिंग वॉट एक्सरसाइज आई हैव डन हेयर एंड हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव डन एवरी डे जस्ट टू नोट इट एंड सी एंड हेयर आई आई राइट लाइक दिस इज द डेड लिफ्ट ब्लैक पोल डाउन सो हाउ मच एक्सरसाइज आई एम डूइंग सो हेयर या आई विल शो यू लाइक एक्सरसाइज दैन हाउ मेनी सेट्स क्या सेट्स में आपने वेट किया एंड नीचे कार्डियो लिख सकते हो नोट्स लिख सकते हो यहाँ डेट एंड डे लिख सकते हो प्रॉपरली स्ट्रेच वार्म अप कितने मिनट किया मसल ग्रुप कौन सा ट्रेन किया सो इट्स लाइक वन ऑन वन बहुत ब्यूटीफुल है अब बात करते हैं ये वाले जर्नल के बारे में माई गॉड दिस इज ब्यूटिफुल फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें ये स्टिकर्स देते हैं कैलेंडर्स के ओके दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का भी देते हैं ये लोग तो ये ऐसे कैलेंडर है जिसको आप स्टिक कर सकते हो डायरी में दिस इज टोटली रिमूवेबल तो ये मंथली बेसिस के हिसाब से फिटनेस प्लानर है यहाँ पे आप अपना मंथली डेटा सारे क्या आपके मेजरमेंट्स है एवरी थिंग यू कैन अपडेट यहाँ पे ट्रैकर है आपका हैबिट का वो आप कर सकते हो अपडेट एंड देन यहाँ पे वो एक कैलेंडर होता है यहाँ पे अगर अपना वेट लिखना चाहते हो आप एवरी डे वेट मेजर करते हो तो वो लिख सकते हो उसके बाद ये है डिटेल लाइक सेम यहां पे आपको एक्सरसाइज लिखना है रेप्स लिखने हैं सेट्स लिखने हैं कितना वेट उठाया आपने ये लिखना है सेम स्टार्ट वेट एंड वेट क्या मेजरमेंट्स थे आपके वो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरी वीक तो सोचो वीकली प्रोग्रेस आप कितने अच्छे से ट्रैक कर सकते हो यहाँ आप अपने मील्स भी अपडेट कर सकते हो कि आपने क्या दिया ऑल देखो मील्स के लिए स्पेस थोड़ा छोटा लगता है मुझे बट स्टिल अगर आपने जैसे मैं तो क्या करती थी इसको यूज करती थी अगर मैंने किसी भी टाइम पे चीट किया है तो आई जस्ट राइट हेयर कि मैंने ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में कहीं चीट किया है बाकी तो आई विल फॉलो माई रेगुलर डाइट बट अगर चीट किया है तो दैट आई विल राइट एंड यहाँ पे ना इसके बैक में स्पेसेस ऐसे हैं यहाँ पे कैलेंडर रखने के लिए तो आप और भी इतनी कुछ चीज़ें रख सकते हो यहाँ नोट्स के लिए आपको एंड में स्पेस दिया हुआ है ये देखो काफ़ी सारा और चीज़ें आप नोट करके रख सकते हो अपना डाइट प्लान हर वी मंथ का जो है वो पीछे ही नोट करके रख लो ताकि आपको कहीं और देखना ना पड़े सो इट्स इन ऑन इन वेरी गुड प्लानर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड प्राइज व ट्रेवल प्लानर की बात कर लेते हैं भाई थोड़ा घूमेंगे घूमेंगे राइट तो घूमने के लिए प्लानर क्यों ज़रूरी है ज़रूरी है अगर आप अपनी ट्रिप्स प्लान नहीं करते हो तो मैं आज बोलती हूँ प्लान करना स्टार्ट करो आप देखना आपको कितने चेंजेस, लास्ट मिनट पैकिंग्स एंड ऑल इन सब में कितना हेल्प मिलने वाली है उसके लिए जो मैं प्लानर यूज करें वो है ये दिस इज़ ड्यू टू छोटू सा प्लानर एंड इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं आया है मस्ट चली ओके एंड प्लानर बहुत ब्यूटिफुल है तो यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है ओके एंड यहाँ पे मंथ कौन सा मंथ है मंथ के कौन से डेट पे आप कहाँ जा रहे हो घूमने कौन से डेट को लौट रहे हो ऐसा बॉक्सेस बने हुए हैं उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर कोड्स एंड ऑल लिखा हुआ है प्लेसेज वेर यू आर गोइंग टू विजिट प्लेसेज लाइक मैं सिंगापुर गई थी तो मैंने पहले से नोट करा हुआ था कि मैं कौन कौन सी प्लेस विजिट करने वाली हूँ तो इट वॉज सो ईज़ी कि यार मेरे से कुछ मिस नहीं हुआ फिर मैंने प्लान किया था डे वन पे वॉट आई विल वेयर आई विल गो देन डे टू पे क्या करूंगी डे थ्री पे क्या करूँगी तो इट वॉज गुड फॉर मी तो दिस इज़ अ मस्ट है ना लेट्स टॉक अबाउट स्टडी प्लानर ओके द सेम जिसका मैंने फिटनेस प्लानर खरीदा था उसका ही मैंने स्टडी प्लानर लिया हुआ है बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग सम फॉर सम एग्जाम एंड उसके लिए मुझको प्लानिंग का थोड़ा ज़रूरत है एंड मैं हर चीज़ के लिए प्लानिंग करती हूँ भाई मैं, मैं बहुत ऑर्गेनाइज हूँ मुझे लगता है मैं एवरीथिंग आई शुड राइट बिफोर हैंड एंड आई एम ए पैन पेपर पर्सन मैं मोबाइल स्टिल like everything is digital but still i love writing it down every time so I'm that kind of old school person so isliye maine study planner liya tha like isme dekho wo jo stickers hote hai na wo aap jan Feb ऐसे करके attach करके यहाँ पे लगा सकते हो and क्या आपका जैसे ये ये सेम ही planner है exactly, क्या month का क्या करना चाहते हो ये लिख सकते हो आप एंड उसके बाद ये वीकली है कि आप कौन सी चीज़ पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो कौन सा टास्क है क्या लिखना चाहते हो ये ऐसे सिंपली यहाँ पे नोट कर सकते हो गुड स्टडी प्लानर अगर आपको चीज़ें प्लान करना अच्छा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली हैव दिस तो लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं ओके लास्ट सेक्शन है डायरीज़ और मेरे पास बहुत ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ऑप्शन है आप लोगों के लिए और वो भी बहुत सारे ठीक है तो मैं पहले सिंपल वाली से स्टार्ट करती हूँ सर आई विल गो टू थोड़ी सी स्टाइलिश वन ओके सो दीज टू डायरीज़ पार्पल ऑफ गर्ल्स एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ली हुई है आई लव दैट इंस्टाग्राम स्टोर मेरा मैंने बहुत सारे सामान बहुत सारे फ्रेम्स उनके यहाँ से ख़रीदे हैं एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड मैं कोई भी इंस्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रही हूँ मैंने पर्सनली उसके पास से बहुत सारे फ्रेम्स खरीदे हैं बहुत सारी डायरीज़ खरीदी एंड शी इज़ अ लवली गर्ल आई मस्ट टेल यू शी इज़ वेरी कॉपरेटिव शी इज़ गड एंड वो बहुत हेल्प भी करती है जैसे आपको हैम्पर बनाना है या कुछ करना है इतने क्यूट सामान मैंने अपने यू नो बहुत सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट भी किया है वो तो आप वहाँ पे देख सकते हो ये दोनों तो बहुत प्यारी सिंपल डायरीज़ हैं बट लाइक द कवर फोटो इज़ ना तो उनके पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जब हम क्यूट चीजों की और डायरीज की बात करते हो और मीनीसो की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है राइट तो ये तीन सेट मैंने मीनि से लिए हैं दीज आर डायरीज एंड इसके बहुत सारे वेरिएशन अभी भी अवेलेबल है मीनीसो पे आप देख सकते हो जाके पतली पतली डायरीज होती है मैं तो क्या करती हूं जैसे मैं बुक रीडिंग करती हूं तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं आई राइट इट ओके तो फॉर एन एग्जाम्पल देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ एंड इट्स अ गुड हैबिट अगर आप नहीं करते हो तो आई टेल यू करना स्टार्ट करो देखो डू इट टूडे is a book which i i'm reading now तो मैं उसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना जो भी मुझे पसंद आया उस बुक से आई राइट ओके आई हैव जस्ट स्टार्टेड द बुक तो मैं अभी काफ़ी कम लिख पाई हूँ तो आई राइट इट एंड मैं क्या करती हूँ फ्री टाइम पे दिन में एक बार पाँच मिनट के लिए बुक की कॉपीज़ खोलती हूँ और उसको पढ़ती हूँ बिकॉज़ क्या होता है ना एक बार आप पढ़ते हो ना किसी चीज़ का इम्पैक्ट उतना नहीं होता बट अगर आप उसको राइट करते हो पढ़ने के साथ ना इट विल स्टे लॉन्गर इन योर माइंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सीख नहीं सकते हो बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो यू कैन बिट्स यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ डूड सब कुछ तो मैं इसलिए इसको नोट करती हूँ तो दीज डायरी इज अब ब्यूटिफुल क्यूट एंड सुपर क्यूट ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थी वन नाइन्टी अराउंड तो इट्स ब्यूटिफुल अब आती है एक खास डायरी ओके ये भी मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ली है दिस वन दिस इज़ लाइक विंटेज काइंड ऑफ डायरी ओके तो ये मैंने मायशा से ली है अगर आप लोग ने शॉपटिंग देखा होगा तो आपको पता होगा मायशा कौन है मैंने वहाँ से डायरी परचेज की थी मेरे पास उसके कम से कम नहीं तो छः सात बैग्स हैं ओके आई लव दैट पर्सन उसने ज़ीरो से अपना ब्रांड ग्रो किया है दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड इट्स अ ब्यूटिफुल डायरी मेरे पास इसका मैचिंग एक बैग भी है तो देखो मैंने तो ये इट्स ना इट हैज़ विट पेज ओके वो वाले जो विंटेज लुक नहीं देते हैं अपन के पास वो पेपर वाले वैसा वाला मटेरियल जो होता है आर्ट एंड क्राफ्ट वाला वो मटेरियल के पेजेस हैं उसके बहुत सुंदर क्वालिटी इज़ रियली गुड एंड मैं तो इसको अपना यू नो प्लान करने के लिए चीज़ें आई हैव यूज इट उसका ये जो टाई करने वाला ऑप्शन है इज़ ब्यूटिफुल तो मुझे तो बहुत पसंद है ये डायरी एंड प्राइज इज़ लाइक ओके नॉट वेरी हाई इट्स फाइन सेल पे लेना ज्यादा ऑफ मिलेगा एक सलाह है ठीक है ती है बारी लास्ट डायरी की जो मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ एंड दिस डायरी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज दिस वन टोटल विंटेज डायरी विद दिस लॉक पैटर्न सी दिस हैज़ इट दिस पैटर्न एंड लॉक हो जाते हो बहुत ब्यूटिफुल डिज़ाइन देखो कितनी प्यारी है इसकी ओके एंड आई वो बिल्कुल जो बांध के नहीं हुए उसको सिलाई करके बनाया जाता है बहुत विंटेज लुक है इस डायरी का इसको मैं ओपन करके दिखाऊँ सबसे अच्छी चीज़ डायरीज़ पूरी फ्लैट नहीं होती है पूरी फ्लैट हो जाती है यार मतलब लिखना विल बी वेरी ईजी फॉर यू एंड इट्स 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 अ वाइब आई तेल यू उड्स वाई तो मैंने मेरी ये बकेट लिस्ट डायरी है ओके okay? मैंने बनाया हुआ है माई बकेट लिस्ट करके और मैं इसके अंदर अपने सारे बकेट लिस्ट लिखती हूँ वो तो पूरे होते जाते हैं बकेट लिस्ट मैं उसको ना फोटोज़ चिपकाती हूँ एंड आई डोट वॉन्ट टू शो इट अभी बट इफ़ यू वॉन्ट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये विंटेज डायरी के लिए और बकेट लिस्ट के लिए आप एक अलग से वीडियो बनाऊँ इफ़ यू वॉन्ट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाउ टू क्रिएट यू बकेट लिस्ट डायरी आई कैन यू नो हेल्प यू विद डैट इफ़ न्यू टू दिस ओके एंड इसके पेज क्वालिटी इज़ वेरी गुड तो अगर आपने कुछ फ़ोटो चिपकाई है उसके बाद भी लिखने के लिए कुछ कुछ पीछे पेज पे नहीं छपता है सो इट्स गुड आई रियली लव इट लव 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 इट तो यहाँ मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है आई होप आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरी चॉइसेस पसंद आई होंगी मैंने बहुत बजट फ्रेंडली से लेके थोड़ी सी हाई एंड बट रियली वर्थ डायरीज जर्नल्स एड किए हुए हैं अब और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना मेरा इंस्टा हैंडल है उसको फॉलो कर लो प्लीज़ ओके okay? वहाँ पे मैं बहुत सारे अदर रिलेटेड कंटेंट्स एंड एवरीथिंग डालती रहती हूँ वो आप देख सकते हो एंड कमेंट पर ज़रूर बताना अगर आपको पकेट लिस्ट वाली डायरी प्रिपेयर करना सीखना है तो ओके एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग यर सेल्फ बाय बाय